some parts has been raised. So now I continue the next topic, the next parts of sand preparation and conditioning. We have already told about sand conditioning. What is the step of sand conditioning? The first step is to eliminate foreign materials. To eliminate foreign materials means to remove unwanted material which is present in molding sand. Unwanted materials means like nails, like sand lumps, like any dust particle, like metal piece, in this picture there is magnetic separator. Here we put the sand with unwanted material, with impurities, and sand move here by belt, with the belt, and this is magnetic roller. This is magnetic roller. Hence, if unwanted material like nails, like ferrous material means having properties of iron, then they will stick to the belt and they will put in this pot, and the rest part of sand which is non-magnetic is collected in this pot. Okay, hence the molding sand is separated by unwanted material like nail, like lumps, and anything that is in the form of impurities, and fresh particles, fresh sand is collected in the another pot, that is non-magnetic pot. The fresh sand having no impurities, having no unwanted material, have collected in non-magnetic plot, non-magnetic pot. This is non-magnetic pot, and this is magnetic pot. Magnetic pot collected ferrous material like nails, like any piece of iron or metal, or the ferrous materials collected in magnetic pot. This way we separate the impurities material, unwanted material, magnetic material with non-magnetic material. Hence, this way the molding sand is free from unwanted material and fresh, clean sand will be prepared in foundry. Okay. Sand preparation and conditioning means जो है sand को जो है हम लोगों को जो है
इस रूप में जो है हम लोग को तैयार करना है, जिससे हम लोग जो है मोल्ड आसानी से जो है बना सके, मोल्ड सही तरीके से बना सके, आपका साइड में कोई इम्प्योरिटीज नहीं हो, ठीक है ना, प्रॉपर वे में जो है आपका प्रॉपर मात्रा में जो भी आपका सैंड के साथ हम लोग मिलाते हैं, जैसे आपका क्ले मिलाते हैं बाइंडर के रूप में, एडिटिव मिलाते हैं, एडिटिव में सर जैसे हिंदी आपका बोलिए ना सर, हिंदी है में बताइए ना। हाँ किसको बोलते हैं मोल्ड, हम लोग को कोई चीज कास्टिंग जो है, हम लोग को जो है कोई चीज लिक्विड है तो लिक्विड को कोई शेप देने के लिए हम लोग को कैविटी बनाना होगा। हम लोग जो है लिक्विड को जो है माने कोई मेटल को गला करके, हम लोग जो है गला करके जो है उसको जो है अच्छा, हम लोग को फर्मा बनाना होगा। फर्मा मींस जो है जैसे हम लोग ब्रिक जो है ईटा जो ये है, तो वेरी हाई टेम्परेचर पर बातें होंगे। एक शब्द में बोले तो सर मोल्ड क्या हो जाएगा? मोल्ड इज द कैविटी व्हिच इज फॉर्म फॉर्म बाय ढांचा या ढांचे? हाँ व्हेन व्हेन वी विड्राइव विड्रावल दस मोल्ड द कैविटी फॉर्म्ड बाय विड्रावल ऑफ पैटर्न सर इज हिंदी कॉल्ड में ही मोल्ड। बताइए ना सर। जब हम लोग जो है पैटर्न को जो है क्या करते हैं, हम लोग जो है सैंड से हम लोग कोई चीज को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज को कास्टिंग करना है हमको जो है कास्टिंग करके कोई चीज बनाना है। जैसे आप प्लास्टिक का टॉय वगैरह देख रहे हो तो वो जो है कास्टिंग करके ही बनाता ना, उसको कटिंग करके कोई बनाएगा? पॉसिबल है? कोई टॉयज है चाहे नो सर, आपका मूर्ति उर्ति है, मूर्ति वगैरह है चाहे इस टाइप का जो भी है, अब दीवार वगैरह में टांगे रहता है लोग जो है, तो वो सब जो है कास्टिंग करके ही जो है उसको बनाता है। तो वो कैसे बना देता है, वो बनाता है सर कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स से नहीं, वो बन जाता बनाता है। है उसका पहले पैटर्न बनाता है, ठीक है, उसका पहले नमूना बनाता है, ठीक है, उसका नमूना बनाता है मीन्स वैसा गड्ढा बनता है, ठीक है। अभी हम मूर्ति जो है बताए थे, जो मूर्ति को कास्टिंग कैसे करते हैं, गणेश जी का जो है विश्वकर्मा पूजा में जो देखे होंगे यूट्यूब पे भेजे हैं जो है, तो वो लोग तुम देखे नहीं उसको जो है बताए थे हम स्टेप बाय स्टेप। हम लोग कोई चीज को कहे का जैसे हमको डस्टर बनाना है हमको, ठीक है, कोई बर्तन बनाना है हमको जो है, कढ़ाई बनाना है जो हम लोग जो है मोटा जो रहता है, हम लोग जो है कढ़ाई में जो है सब्जी बनाते हैं घर में जो है मोटा वाला जो रहता है भारी वो कास्ट आयरन कराता है, तो हमको जो है वैसा बनाना है, तो वैसा हम लोग क्या उसका वैसा पैटर्न बनाएंगे हम, पहले हम लोग उसी शेप का हम लोग जो है पैटर्न जनरली वुड का बनाते हैं, तो उसी शेप का जो है हम लोग क्या करेंगे पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न इज द मॉडल ऑफ एनी थिंग दैट विल प्रोड्यूस्ड आफ्टर कास्टिंग, मीन्स आपका पैटर्न क्या होता है, कोई किसी चीज का नमूना होता है, जैसा हमको कास्टिंग करके ऑब्जेक्ट चाहिए, कास्टिंग करके जैसा वस्तु चाहिए उसका नमूना होता है। तो अब हो गया कि भाई कि नमूना जो होता है, तो नमूना खाली बना देने से हमको मिलेगा? हमको अब हमको मेटल को जो है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई चीज को पिघला करके जो है हम लोग जो है किसी शेप में उसको हम ढाल सकते हैं, कोई भी मेटल वगैरह जो है हम लोग उसको पिघला दे मेल्ट कर दे और उसको जैसा शेप में रखेंगे वैसा ही शेप जो है ठंडा होने के बाद सोलिफिकेशन होने के बाद वो शेप जो है ले लेगा। तो उस शेप के पहले हमको शेप बनाना होगा, हमको जो है जैसा वस्तु चाहिए कास्टिंग करके तो उसका जो है वैसा शेप बनाना होगा, तो वैसा शेप बनेगा कैसे भाई, तो वैसा शेप बनेगा कि हम जो है पैटर्न जो बनाए हैं कढ़ाई का पैटर्न जो है लकड़ी का बनाया है नमूना बनाया है, उस नमूना को हम लोग सैंड में रखते हैं, उस नमूना को हम लोग क्या करते हैं सैंड में रख देते हैं, और जो है ऊपर से सैंड को कंप्रेस करते हैं, रैमिंग करते हैं, रैमिंग करने के बाद क्या होता है वो जो नमूना होता है पैटर्न जो है वो सैंड के साथ पूरा जकर के जो है अंदर में बैठ जाता है। अब जो है हम लोग जो है नमूना को जो है बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं तो सैंड से जैसा उसका रहता है जिस जैसा डायमेंशन रहता है उतना ही डायमेंशन का जो है उसमें गड्ढा बन जाता है, कैविटी बन जाता है। जैसे हम लोग जो है बच्चा में क्या करते थे कि सैंड में, अभी भी हम लोग बालू कहाँ जहाँ
जमा रहता है बहुत ज्यादा, तो हम लोग बच्चा लोग क्या, बच्चा लोग क्या करता है पैर उसमें रख देता है, ऊपर से थपथपा के जो है आ फिर जो है पैर निकाल लेगा, तो देखोगे जो पैर ऐसा गड्ढा उसमें बन जाता है, ठीक है, सैंड में। तो वो हम लोग जो है क्या करते हैं, पैटर्न को सैंड में रखते हैं, उसके बाद ऊपर से थपथपाते हैं, हैं, और जो है पैटर्न को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कढ़ाई का जो है पैटर्न उसको बाहर निकाल लेंगे तो कढ़ाई जैसा ही गड्ढा बन जाएगा। अब कास्ट आयरन मेटल को हम लोग जो है मेल्ट करते हैं, उसको पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद जो है उसमें डाल देते हैं, डालने के बाद क्या होगा, जैसा शेप रहेगा गड्ढा वैसा मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। तो मोल्ड हुआ कि जो है आपका जो कैविटी बना, डेट कैविटी पैटर्न को निकालने के बाद जो कैविटी बनता है, जो गड्ढा बनता है, जो शेप बनता है, उसको हम लोग मोल्ड बोलते हैं। और उसको बनाने का जो है, गड्ढा बनाने का टोटल प्रोसेस जो होता है, जैसे हम लोग पैटर्न को रखे बॉक्स में, ड्रैग बॉक्स में, उसके बाद आपका फेसिंग सैंड डाले, फेसिंग सैंड डालने के बाद आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड डाले, उसके बाद जो है हम लोग जो है लास्ट में बेकिंग सैंड डाले, उसके बाद उसको हम लोग ऊपर से जो है क्या मारते हैं, चोट मारते हैं, मीन्स उसको जो है कुचते हैं, जैसे ओखली में जो है कोई चीज धान कुटा जाता है उस तरह उसको जो है हम लोग जो है रैमिंग करते हैं, धुरमुस करते हैं उसको जो है रैमर से जो है, ठीक है। तो ऐसा करने से जो है सैंड और जो पैटर्न जो है आपस में एक बैठ जाता है आपस में, ठीक है, जकड़ के बैठ जाता है, सैंड जो है पैटर्न के चारों तरफ फैल जाता है, पूरा जो है कंप्रेस हो जाता है। तब क्या करते हैं हम लोग जो है, जब ऊपर लेवल पूरा बराबर होता है सैंड को, तो हम लोग जो है पैटर्न को बाहर निकाल लेते हैं, मीन्स जो है जैसा वस्तु, जो वस्तु का नमूना जो जिसको हमको बनाना है उसको पैटर्न बोलते हैं, मीन्स नमूना को हम लोग बाहर निकाल लिए। तो नमूना का बाहर निकालने के बाद जो शेप, जो गड्ढा बनता है, उस कैविटी जो बनता है उसको हम लोग मोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं, जो कैविटी बनता है पैटर्न को बाहर निकालने के बाद, तो उसको हम लोग मोल्ड बोलते हैं, MOULD, मोल्ड बोलते हैं। आज कैविटी बनाने का प्रोसेस जो हुआ, जो कैविटी बनाने का प्रोसेस हुआ, हम लोग जो 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 प्रोसेस किए कैविटी बनाने के लिए, पहले बक्सा में पैटर्न डाले, सैंड डाले, डेट प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्डिंग। मोल्ड बनाने का हम लोग प्रोसेस को, जो हम लोग मोल्ड जो है गड्ढा कैसे कैसे बनाए, उस प्रोसेस को हम लोग मोल्डिंग बोलते हैं। आ किससे बनाए, तो हम लोग सैंड से जो है, चूंकि सैंड ज्यादा मात्रा में रहता है, उसमें आपका बाइंडर वगैरह मिलाते हैं, लेकिन मेजर पार्ट सैंड का होता है, इसलिए उसको सैंड मोल्डिंग बोलते हैं, मीन्स सैंड से हम लोग गड्ढा बनाते हैं, इसलिए उसको सैंड मोल्डिंग बोलते हैं। तो जो है, तो सैंड हम लोग जो है, चूंकि हम लोग क्या करेंगे, उस सैंड को यूज करते हैं जो है मोल्ड बनाने में, तो हम लोग पहले सैंड को जो है साफ सुथरा कर लेते हैं। हम लोग जो है सैंड में देखते हैं कि कुछ लोहा का पार्टिकल तो नहीं है, कुछ गंदा पार्टिकल तो नहीं है, वो सबको हम लोग पहले अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो है उसको अलग कैसे करेंगे सैंड, वही तो बताया ना, जैसे मतलब सैंड में आपका लोहा का पार्टिकल है, कांटी उटी है, ठीक है, तो कांटी उटी है जो है, तो कोई पहले हम लोग कोई भी नहीं, नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो है फेरस जो है, मीन्स लोहा वाला कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग पहले अलग करते हैं। सैंड वगैरह में तो लोहा वाला जो है, चूंकि नदी किनारे है, तो कुछ भी आपका नेल भी हो सकता है, लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा भी हो सकता है, तो ये सब अब उसको जो है सैंड के साथ उसको यूज कीजिएगा, तो सैंड का जो है मेल्टिंग टेम्परेचर वो सब घटा देता है, अनवांटेड मटेरियल जो है सैंड में, जो है आपका लोहा का कुछ पार्टिकल हुआ, चाहे गंदा फेरस जो है, चाहे आपका डस्ट पार्टिकल ये सब रहेगा सैंड में, तो क्या कहता है कि सैंड जो है, जब सैंड को जो है आप मोल्टन मेटल को जो सैंड के संपर्क में आएगा आपका सैंड मोल्टन मेटल के संपर्क में, तो उसका टेम्परेचर जो मेल्टिंग टेम्परेचर सैंड का जो है, जैसे 2000 मेल्टिंग टेम्परेचर है, तो 2000 से एक आपका पहले ही जो पिघल जाएगा सैंड, माने इम्प्यूरिटीज जो है ना, वो उसको जो है ताप सहने की क्षमता को कम कर देता है सैंड को। सैंड में गंदा में मिला रहता है तो क्या कर देता है, नहीं हम लोग गंदा कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है, इन्फेक्शन होता है कि नहीं, yes, sir. Yes, sir. गंदा कपड़ा पहनिएगा जो है, गंदा जगह में रखिएगा गया है, तो क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, उसी तरह उसको इन्फेक्शन पकड़ लेता है सैंड में, मीन्स सैंड इन्फेक्शन, मीन्स जो है सैंड का जो है आपका जो है ताप सहने की क्षमता जो घटा देता है वो सब,
ताप जो है रिफ्रेक्टिवनेस जो प्रॉपर्टीज होता है उसको जो है जो इम्प्यूरिटीज रहता है जो अनवांटेड मटेरियल अवांछित जो मटेरियल होता है जिसको नहीं रहना चाहिए वो रहता है प्रेजेंट रहता है और उसको हम लोग मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड बनाने के बाद कैविटी बनाने के बाद उसमें मोल्टोमीटर डालेंगे तो जो है आपका जो है सैंड जो है का मेल्टिंग टेम्परेचर घट जाएगा तो पहले ही पिघल जाएगा। मीन्स जो है ताप सहने की क्षमता एक वर्ड में जो है जो भी आपका फॉरन मैटर होता है फॉरन मैटर मीन्स जो है जो भी आपका गंदा पार्टिकल्स मीन्स अनवांटेड मटेरियल अवांछित मटेरियल जो जिसका जरूरत हमको जरूरत नहीं है वो अगर रहता है तो हमारा जो है रिफ्रेक्टिवनेस जो है प्रॉपर्टीज को घटा देता है। तो हम लोग पहले कैसे हटाते हैं, हटाते हैं हम लोग क्या करते हैं जो है मैग्नेटिक मटेरियल कैसे हटाइएगा आप। हेलो सैंड में मान लीजिए आपका जो है लोहा हुआ है लोहा का कानून है टुकड़ा तो हम लोग कैसे क्या करेंगे सर मैग्नेट करेंगे उसको। देखिए क्या करते हैं यहाँ जो है सैंड सैंड में मान लीजिए कुछ मिला हुआ है आपका लोहा का पीस उस मिला हुआ है देख रहे हैं। अब इसमें जो है जैसे आटा के मिल कैसे पे जो होता है जो हम लोग गेहूं डालते हैं उस टाइप का ये शेप बना हुआ गेहूं पिसवाने वाला मिल में होता है। तो इस टाइप का शेप जो है बना हुआ है आपका है उसमें हम लोग जो है सैंड डाले लोहा के कण के साथ तो ये जो है एक ये जो है पट्टा है वो घूमते रहता है सर ये बेल्ट है ये व्हील है दोनों व्हील पर पट्टा जो होता है जो है बेल्ट जो होता है चौड़ा टाइप का होता है चौड़ा टाइप का होता है कि जिस पर जो है सैंड अट सके थोड़ा सा साइड साइड से उठा हुआ रहता है बीच में ऐसा रहता है कि जमा हो जाए गिरे नहीं साइड में ठीक है। तो ये जो है मूव करता है जो बेल्ट जो है इस पर मूव ऐसे करता रहता है ये पट्टा जो है ये ब्लड देख रहे हैं ना ये पूरा ऐसे मूव करता रहता है ठीक है। अब मूव करेगा तो इसके साथ जो रहेगा बालू रहेगा सैंड रहेगा आपका आपका जो लोहा का पीस रहेगा जिस कांटूटी रहेगा तो वो भी मूव करेगा तो वो मूव करता है तो ये जो है आपका ये मैग्नेटिक रोलर है ये रोलर जो है इसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी है मींस कोई लोह मटेरियल है लोहा टाइप का कुछ भी है तो ये इसको जो है चिपका लेता है। तो ये जो है यहाँ पर जैसे यहाँ आता है यहाँ तक जो है आके जो है फोर्स के साथ जो है चूंकि चिपके रहता है तो फोर्स के साथ इधर फेंका जाता है इधर फेंका जाता है मीन्स जो है आपका जो भी लॉ मटेरियल है जो काटी पाटी है जो भी आपका लोहा का जो टुकड़ा कुरा है ये जो है इस वाला बर्तन जो है पॉट इसमें गिर जाता है ठीक है। और जो जो सैंड है जिसमें कुछ नहीं मिला हुआ है तो वो तो चिपकेगा नहीं ना तो वो तो डायरेक्ट इसमें जो है आता है यहाँ गिर जाता है इसमें सीधे इसमें गिर गया। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स जो है आपका सैंड जो हो गया जो फ्रेश सैंड हो गया वो इसमें आके गिर जाता है लेकिन जो जिसमें कांटी उटी मिला रहता है तो कांटी सब जो है यहाँ आके जमा हो जाता है ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर क्या बोलते हैं इसको मैग्नेटिक सेपरेटर। तो स्टेप वन में हम लोग क्या किए सैंड कंडीशनिंग जो है हम लोग कोई चीज को मोल्डिंग करने के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं आटा जो है हम लोग को आटा जो है तैयार करना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं गेहूं लाते हैं खरीद के गेहूं लाते हैं तो उसको गेहूं को क्या करते हैं धोते हैं हैं धोने के बाद फिर जो है उसको जो है देखते हैं उसमें क्या क्या पार्टिकल गंदा पार्टिकल्स है तो उसको जो है चुनते हैं कि नहीं चुन के हटाते हैं ना जी कि उसी के सुधा पिसा देते हैं। हेलो नहीं सर चुन के पहले जितना भी इंप्योरिटीज है सबको हटा देते हैं। गांव से गेहूं हम लोग लाते गांव से गेहूं लाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको जो है धोते हैं कि नहीं साफ करते हैं कि नहीं यस सर गेहूं को धो के उसके बाद फिर चुनते हैं उसमें मिट्टी उट्टी मिला रहा है उसी से पिसा देंगे तो क्या होगा पेट में जाएगा तो इन्फेक्शन होगा कीड़ा उससे क्या होगा पेट में पूरा आटा में चले जाएगा चला जाएगा खाएंगे तो हम लोग इन्फेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा ना। तो उसी तरह जो है सर आपके पीडीएफ से सर हाँ? सर एक क्वेश्चन था आपका पीडीएफ पढ़े तो एक क्वेश्चन था सर वो क्या सर वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था सर गेट का अच्छा अच्छा हाँ तो बताएंगे सब तो जो है समझ नहीं आया है का ऊपर
नहीं सर बता दे फिर ठीक रहता। अच्छा तुम जो है अलग से तुम भेज देना, हेलो वो जो है उसका पीडीएफ का जो है ना, फिनिश फिनिश और मशीनिंग अलाउंस के ऊपर जो क्वेश्चन है ग्रे कास्ट आगे। अच्छा अच्छा ठीक है हम समझ गए, जाए ठीक है हम जो है उसको को तुम हम बता देंगे समझा देंगे तुमको बाद में, ठीक है। तो जो है ये जो है आपका जो है क्या हो गया, इसको मैग्नेटिक सेपरेटर होता है, मींस आपका सैंड में जो चीज आपका अनवांटेड मटेरियल है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका गेहूं में जो है अनवांटेड मटेरियल क्या हो सकता है, अनवांटेड मटेरियल मींस आपको जो नहीं चाहिए जो आपको हानि करेगा, तो गेहूं में अनवांटेड मटेरियल क्या हो गया, पत्थर का टुकड़ा उकड़ा हो गया, मिट्टी पिट्टी सब हो गया, तो उसको हम लोग कैसे हटाते हैं, तो पहले तो क्या करते हैं उसको धो देते हैं, धोने पर क्या होता है कि जो मिट्टी उट्टी है जो है उसी में गल जाता है, नहीं लकड़ी सब भी होता है सर, तो लकड़ी उकड़ी गेहूं का जो है जो अति होता है भूसा वूसा वो उसको हम लोग छान के हटा देते हैं। अब हम लोग छानने वाला प्रक्रिया अब हम करेंगे, हैं जो गेहूं को हम लोग जो धोते हैं छानते हैं अब हम लोग करेंगे जो है सैंड को कैसे छानेंगे, तो हम लोग क्या मीन्स जो है गेहूं को जो है साफ करते हैं, हैं उसी तरह मोल्डिंग सैंड मीन्स जिससे हम लोग कैविटी बनाते हैं पैटर्न को जो है सैंड में रख करके फिर पैटर्न को बाहर निकाल लेते हैं तो जो है कैविटी बनता है उसको हम लोग मोल्ड बोलते हैं मोल्ड। तो हम लोग जो है जो मोल्ड भाई किससे बनाते हैं, तो हम लोग सैंड से बनाते हैं, हम लोग रोटी किससे बनाते हैं भाई आटा से बनाते हैं, हैं रोटी जो है हम लोग गेहूं से बनाते हैं, गेहूं हम लोग रोटी से आटा से बनाते हैं, लेकिन मेन रॉ मटेरियल गेहूं से ना मिलता है, गेहूं से ना निकलता आटा, अब लोग बोलता है कि जा रहा है भाई हम आटा पिसवाना है, गलत बोलता है ना, गेहूं पिसवाना है, गेहूं पिसाने जाना है, आज तक कोई बोलता नहीं है, लोग बोले कहां जा रहे हो तो आटा पिसवाने जाए, यस सर, अब बोलने का तरीका हो गया, जैसे घर में फ्यूज उड़ जाता है तो फ्यूज हो गया जाए, फ्यूज उड़ गया सर, आटा नहीं ना होता है गेहूं पिसवाना है, हां मेन रॉ मटेरियल आपका जो है आपका क्या हो गया मेन रॉ मटेरियल जो ओरिजिनल गेहूं हुआ, तो हम लोग खाने के लिए रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं जो है उसको साफ सुथरा करते हैं, उसी तरह हम लोग को मोल्ड बनाना है, मींस जो है हम लोग मोल्ड मींस एक तरह से घर बनाना है जिसमें हम अल्टरमेटल डालते हैं जो कविटी बनेगा, कविटी बनाना है तो उस सैंड को हम लोग साफ सुथरा करेंगे कि नहीं, तो पहला जो है पहला हम लोग क्या किए काम कि हम देखते हैं भाई सैंड में जो है छोटा छोटा टुकड़ा जो है आपका लोहा हुआ का रहता है जैसे कांटी भी रह सकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर से अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है अलग कर लिए तो केवल क्या हो गया आपका जो है जो मैग्नेट वाला पार्टिकल है वो जो है जो लोह माने लोहा का जो है जिसमें गुण रहता है जैसे लोहा पार्टिकल अलग हो जाता है, फेरस पार्टिकल केवल अलग हो गया, लेकिन जो गंदा वगैरह जो है जो आपका नॉन फेरस है जैसे मान लीजिए आपका पत्थर उत्थर भी तो रहता है ना सैंड में, पत्थर उत्थर रहता है पत्थर का बड़ा बड़ा जो है, तो अब देखते हैं हम लोग जो है जब प्लास्टर करते हैं तो छान स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग चलनी से उसको छालते हैं छानते हैं या ठीक है बालू को छानते हैं तब बालू को छानते हैं, तो आपके ये तो जो हो गया इसमें जो है मैग्नेटिक में आपका जो है लौह पदार्थ जो होता है लोहा वाला जो है उसमें आके जमा हो गया, लेकिन इसके साथ हो सकता है आपका पत्थर उत्थर तो मिला हुआ है तो पत्थर के साथ नहीं इसमें गिरेगा, पत्थर के साथ जो है पत्थर के टुकड़ा के साथ गिरेगा तो अब तो हमको इसको दूसरा हम लोग क्या करेंगे इसको कैसे हम पत्थर वाला टुकड़ा को निकालेंगे, तो हम लोग इसको स्क्रीनिंग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे स्क्रीनिंग करेंगे मींस जो है हम लोग जो है सैंड को चलनी से रीडल रीडल उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको रीडल बोलते हैं आर आई डबल चलनी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं रीडल्स रीडल और स्क्रीन करना मींस उसको छानना हटा देना अनवांटेड मटेरियल को जो है अलग करना मींस जो है आपका बड़ा बड़ा पार्टिकल जो रहेगा जो पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा रहेगा वो जो है आपका रीडल में ही रह जाएगा और छोटा छोटा जो सैंड का जो पार्टिकल होगा वो नीचे गिर जाएगा, तो कह रहा है नेक्स्ट द सैंड इज स्क्रीन्ड स्क्रीन मींस उसको छानना स्क्रीन्ड इन रीडल्स मींस छन्नी व्हिच सेपरेट आउट द हार्ड सैंड लम्स इटीसी,
अब हम लोग जो है पहला तो हम लोग जो है क्या कर लिए जो है जो आपका जो है फॉरेन पार्टिकल्स मींस जो है जो गंदा वंदा होता है जो आपका लॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या कर लिए पहला स्टेप में अलग कर लिए। वो अलग किससे किए मैग्नेटिक सेपरेटर से। अब जो है दूसरा हम लोग स्टेप कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग कैसे कर रहे हैं छन्नी के द्वारा जो है उसको क्या बोलते हैं चलनी जो है चलनी बोलते हैं चलनी के द्वारा मींस रिडल्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं RIDDLEC चलनी के द्वारा हम लोग उसको स्क्रीन करते हैं तो ऐसा स्क्रीन जो करते हैं हम लोग जो है चलनी के द्वारा उसको चालते हैं तो आपका जो है आपका उसमें जो है लंप्स रहता है मींस सैंड का ही जो है बड़ा रूप होता है जैसे बहुत सारा सैंड फ्यूज हो करके पत्थर का रूप लेता है उसको लंप्स बोलते हैं। तो वो सब सैंड क्या होता है आपका चलनी में ही रह जाता है लेकिन जो है आपका जो मेन जो पार्टिकल्स है जो छोटा छोटा जो भी है आपका सैंड का बाहर निकल जाता है फ्रेश सैंड जो है वो बाहर चल जाता है नीचे गिर जाता है ठीक है। दीज रिडल्स मे बी मैनुअल एज वेल एज मैकेनिकल। तो ये जो है रिडल जो होता है चलनी जो होता है जैसे आटा चालते हैं उसी तरह इसको सैंड को चालते हैं वो जो है आपका मैनुअली भी हो सकता है उसको हम लोग हाथ से भी चाल सकते हैं या मशीन से भी करते हैं। मशीन में होता है कि आपका जो है मशीन के द्वारा जो है चलनी जो है वाइब्रेट करता है इधर उधर घूमते रहता है उसमें डाल दिए और इधर उधर होते रहेगा आगे पीछे घूमते रहेगा तो आपका आगे पीछे घूमते रहेगा तो क्या होगा जो है सैंड जो है हम लोग कोई चीज गेहूं जब हम लोग निकलता है हम लोग जो है आटा को आटा को जो है चलनी हम लोग करते हैं भाई चाल दो इसको जो है हम लोग आटा को यूज करते हैं तो उसमें आपका आटा के साथ अथी भी रहता है ना क्या बोलते हैं कुछ आपका उसको गेहूं का छिलका वगैरह जो रहता है तो उसको हम लोग जो है चालते हैं और चाल के तो जो है उसको जो है हम लोग फिर से तब आटा सानते हैं। तो इसी तरह जो है आपका जैसे गेहूं निकालने वाला मशीन जो रहता है उसका जो चाल के आता है गेहूं हाँ तो जो है दौनी मशीन ये जो है आपका जो है मैकेनिकल जो होता है कि मींस मैकेनिकल डीलर्स में भी आइदर कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। तो ये जो है मैकेनिकल रिजल्ट जो होता है कंप्रेस्ड एयर से जो भी होता है जो उससे भी आपका जो है जो छानने की चालने की प्रक्रिया हो सकती है और इलेक्ट्रिकल जो होता है इलेक्ट्रिकल जो है बताया ना कि जो है उसको जो है वो वाइब्रेट करते रहता है और वाइब्रेट करने से जो है आपका जो जो छोटा पार्टिकल वो नीचे गिर जाता है जो बड़ा है ऊपर रह जाता है छलनी में। बट द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रिजल्ट आर फास्टर एंड कैन हैंडल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सैंड इन ए शॉर्ट टाइम। लेकिन इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकली जो ऑपरेटेड होता है जो बिजली से चलता है जो जो चलनी रिडल्स वो जो है ज़्यादा जो है फास्टर होता है काम करने में उसको जो बहुत फास्ट उससे हम लोग काम करते हैं और ज़्यादा मात्रा में जो है आपका सैंड को जो है हम लोग अलग कर सकते हैं आपका जो भी है आपका जो भी पार्टिकल्स जो है बड़ा जो है पत्थर उत्थर है उससे जो है हम लोग ज्यादा मात्रा में जो है उससे एक बार में छान सकते हैं चाल सकते हैं कम समय में ज्यादा मात्रा में छान सकते हैं कम समय में ज्यादा मात्रा में जो है हम लोग जो है सैंड को कर सकते हैं चलनी के द्वारा जो है अलग कर सकते हैं ठीक है। अब हम लोग क्या किए दो काम हो गया। पहला हो गया कि हम लोग जो है जो गंदा पार्टिकल था लॉ पदार्थ उसको जो है अलग कर लिए मैग्नेटिक सेपरेटर से। अब जो है अब है कि सैंड में जो है कुछ भी पत्थर उत्थर का जो है आपका बड़ा टुकड़ा है तो उसको हम लोग जो है चलनी के द्वारा जो है छान के अलग कर लिए ठीक है। तो मींस जो है आपका सैंड पूरा साफ हो गया क्या हो गया स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरा हो गया सर पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरा हो गया। गेहूं को हम लोग धो दिए तो उसमें से मिट्टी जो है निकल गया और उसके बाद उसको जो है हम लोग फटक लिए तो उसमें से जो गंदा बंदा है वो निकल गया मींस आपका जो है अब गेहूं पूरा तैयार हो गया पिसाने के लिए ठीक है। अब हम लोग लेकिन जो है हम क्या करते हैं हमको तो गेहूं पिसना नहीं है हमको जो है सैंड से जो है घर बनाना है हमको घर सैंड सैंड से हम लोग सैंड से गुफा बनाना है मींस जो है सैंड से हमको जो है कैविटी बनाना है कैविटी तैयार करना है पूरा
वो कमिटी तैयार करना है, मीन्स जो है आपका हमको उसमें पैटर्न डाल के सैंड में और बाहर निकाल लेना है, हैं, बाहर निकलना है तो तब कविटी बनेगा, हैं, तो कविटी जो है साफ सुथरा बने इसके लिए हम लोग जो है सैंड को साफ कर दिए, हैं, अब जो है हम लोग क्या करेंगे उसमें जो है स्टेप थ्री में एडिशन ऑफ इनग्रीडियंट्स, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग इनग्रीडियंट्स मीन्स जो होता है जैसे आपका बाइंडर हुआ, हैं, बाइंडर जो मिलाते हैं आपका बाइंडर क्यों मिलाते हैं, जैसे क्ले हुआ, बेंटोनाइट हुआ, हम लोग क्यों मिलाते हैं उसमें, चूंकि वो फेविकोल का काम करता है, मींस बॉन्डिंग कैपेसिटी देता है, मींस बाइंडिंग एबिलिटी बनाने के लिए सर, बाइंडिंग स्टिक करने का जो है, स्टिक करने का जो है सैंड को आपस में स्टिक करने का जो है एबिलिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आफ्टर ऑल द फॉरेन पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एंड द सैंड इज फ्री फ्रॉम हार्ड लम्स ईटीसी। अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि आप सैंड में जो भी आपका अनवांटेड मटेरियल है जो हमको नहीं चाहिए उसको फॉरेन पार्टिकल्स बोलते हैं, मीन्स जो गंदा रिमूव होने के वो रिमूव हो गया है, और सैंड क्या हो गया, सैंड जो है आपका लम्स मीन्स जो है बड़ा बड़ा टुकड़ा जो पत्थर उससे भी हट फ्री हो गया, ठीक है। तो हम उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्योर सैंड, अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम बताए थे कि इतना परसेंटेज लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सैंड को जो है हम लोग तौल लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि इतना ग्राम, जैसे हम बताए थे ना कि इतना ग्राम में इतना प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में। अब सैंड को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर अमाउंट में हम लोग जो है सैंड लेते हैं, हैं, और जो है उसमें जो है क्ले जो है प्रॉपर अमाउंट में मींस जो है बेंटोनाइट जो क्ले होता है जो है जो आपका फेविकोल का मींस जो है वो ऐसा पार्टिकल्स होता है जो बताया था ना कि आपका क्या बोलते हैं आपका प्लाईवुड होता है जो लेयर बाय लेयर रहता है वो नीचे माइंस से उसी तरह निकलता है, लेकिन उसको जो हम लोग छोटा छोटा पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो है कन्वर्ट करने के बाद जो है उसमें जब हम लोग वाटर मिलाते हैं तो वो जो है चिपकने का उसमें गुण आ जाता है, वाटर जब मिलाने पर क्या होता है चिपकने का, जैसे आटा में हम लोग जो है पानी मिला देते हैं तो वो जो है चिपकने का जो है वो शक्ति बाइंडिंग एबिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं जो है सैंड तो सब चीज अच्छा सैंड पूरा फ्रेश हो गया, फ्रेश सैंड हमको मिल गया, तो अब उसमें जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स के रूप में क्या मिला रहे हैं, क्ले मिलाते हैं, बाइंडर के रूप में क्ले मिलाते हैं और एडिटिव्स मिलाते हैं, एडिटिव्स मीन्स जो है आपका जो आपका लकड़ी का बुरादा हुआ, छोटा छोटा कोल का डस्ट हुआ, ये सब जो है हम लोग मिला दिए, ठीक है। आर एडेड टू फॉर द लॉस बिकॉज ऑफ बर्न्ड क्ले एंड अदर मटेरियल्स, और एडिटिव्स क्यों हम लोग मिलाते हैं, हम लोग एडिटिव्स जो है जो बताया ना एडिटिव्स जैसे लकड़ी का बुरादा वगैरह मिलाते हैं तो वो मिलाने से क्या होता है आपका आपका जो है क्ले जो है होता है जो जब बाइंडर का काम करता है, ठीक है, उसको जो है जलने से जो है रोकता है क्ले को जो है जो क्ले जो है जिसमें जो है वो चिपकने की क्षमता रहता है तो उसको जो है उसको ऊपर जो है हम लोग क्या करें भूसा जैसा कुछ डाल दिए जो है भूसा जल एडिटिव जल जाएगा, जैसे मालिक का ये जो है आपका ये सैंड है यहाँ पर क्या है सैंड है, ठीक है, इसके ऊपर जो है लकड़ी का जो है आपका इसके ऊपर जो है सैंड में क्या मिला हुआ है क्ले मिला हुआ है, मींस जो है जो गोंद का एक तरह से है इसमें सैंड में मिला हुआ है क्ले मिला हुआ है, क्ले मींस जो है बाइंडिंग का जो काम करता है मींस जो है जो चिपकने का क्षमता प्रदान करता है, उसमें हम लोग जो वाटर मिला दिए हैं और सैंड को मिक्स कर दिए हैं तो जो है क्ले जो है सैंड के साथ मिल गया है, ठीक है। अब ऊपर से हम लोग इसको काल डाल देते हैं, हम लोग ऊपर से डाल दिए आपका
आपका लकड़ी का बुरादा डाल दिए, ठीक है, लकड़ी का बुरादा डाल दिए, तो अब जो है आप जो है आपका जो है मोल्टेन मेटल जब आएगा, हमको जो है मोल्टेन मेटल जब आएगा इसके संपर्क में, है मोल्टेन मेटल हम पोर कर रहे हैं, मोल्टेन मेटल जब पोर करेंगे तो क्या होगा, इसके संपर्क में आया था इसको ना जलाएगा, पहले जो रहेगा जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर जो है कोई उसको खतरा है, बीएसएफ वाले को खतरा है पहले सर, बीएसएफ जब सबसे आगे रहता है बॉर्डर पर, गोली वही खाने के लिए तैयार रहता है, गोली वही खाता है बेचारा, आर्मी वाला उसके पीछे रहता है, बिहार पुलिस और पीछे रहता है, तो ये बीएसएफ है बॉर्डर पर यही रहता है, ये सुरक्षा करता है, तैयार रहना चाहिए सर बीएसएफ वाले को, ये जो है आपका लकड़ी का बुरादा है, ये आगे रहता है अपना खड़ा रहता है बैठा हुआ है, बोला कि आएगा तो भाई हम ही ना मरेंगे हैं, लेकिन हम दूसरा तो सुरक्षा में रहेगा, मीन्स हम जो है जल जाएंगे लेकिन जो है हम सैंड को जलने नहीं देंगे, ठीक है, तो ये जो है आपका चूंकि लकड़ी का बुरादा है तो ये सूखा रहता है तो ये तुरंत जो है जल जाता है, जलने में क्या होगा एनर्जी खर्च हो गया, कोई चीज गर्म है तो उसको गर्म को जो है आप जला दिए तो एनर्जी थर्मल एनर्जी कम ना जाएगा, नहीं कोई चीज है बहुत हीट है, कोई बहुत बहुत आदमी गुस्सा है तो उसको बोले पानी पी लीजिए, हैं पानी पानी पीने के बाद क्या ठंडा हो जाता है गुस्सा शांत हो जाता है, गुस्सा शांत होता है, उसी तरह जो आपका ये जो है लकड़ी का पार्टिकल है इसके संपर्क में मोल्टेन मेटल के संपर्क में आया तो मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो इसका टेम्परेचर ये ऑब्जर्व कर लेता है, ये जो है आपका लकड़ी का बुरादा जो है जिसको एडिटिव्स बोलते हैं वो ऑब्जर्व कर लिया तो जो है इसका मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर धीरे धीरे घट गया तो ये जो है ऑब्जर्व कर लिया बेचारा, ऑब्जर्व के जो है उसको जल के उसका खत्म कर दिया शक्ति को, हीटिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया, सैंड बच गया पूरा जो है क्ले बीच में जो है बॉन्डिंग मटेरियल जो क्ले जो सटने का काम करता है तो उसको भी नष्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो एडिटिव्स का काम यही है, एडिटिव्स पूछेगा कोई एडिटिव्स का जो हम लोग आपका जो भी लकड़ी का बुरादा मिलाते हैं कोयला मिलाते हैं, कोयला का भी तो हम बताए थे डस्ट पार्टिकल को जो है जो आपको जो है सीओ बनाता है, कार्बन मोनोक्साइड गैस बनाता है, वो भी जो है परत जैसा जो है बना देता है लेयर, और जो है मोल्टेन मेटल को जो है ढकेल देता है कि भाई तुम उधर रहो, ऐसे करके मोल्टेन मेटल को संपर्क में आने नहीं देता है, गैस का लेयर बना देता है यहाँ पर गैस, ठीक है, अब है एज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द रिटर्न्ड सैंड नोन इट इज टू बी टेस्टेड आफ्टर knowing the moisture and required amount of water is added. As the moisture content of the returned sand known, it is to be tested after knowing the moisture and required amount of water is added. अब हम लोग जो है सैंड में जो है कितना हम लोग को पानी मिलाना है तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, देर आर टू मेथड्स ऑफ एडिंग क्ले एंड वाटर टू सैंड, ये जो है हम लोग जो है सैंड में जो है जब सैंड हमको साफ सुथरा हो गया, सैंड में से जो है हम लोग आपका जो भी पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा था उसको हम लोग हटा दिए और लौह पदार्थ को हटा दिए, अब जो है हम लोग जो है अब हम लोग जो है उसमें हम लोग मिला रहे हैं क्ले मिला रहे हैं और वाटर मिला रहे हैं आपका एडिटिव मिला रहे हैं, तो ये जो आपका दो मेथड होता है, पहला होता है कि फर्स्ट वाटर इज एडेड टू सैंड फॉलो बाय क्ले व्हाइल इन अदर मेथड्स, व्हाइल इन अदर मेथड्स क्ले एडिशन इज फॉलोड बाय वाटर, दो तरीके का है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्या होता है कि पानी मिला देते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सैंड में पहले पानी मिला दिए उसके बाद तब क्ले मिलाते हैं, मीन्स तब बाइंड मटेरियल जिस जो होता है जो बाइंडिंग का काम करता है
चिपकाने का काम करता है सैंड को आपस में, उसको हम लोग बाद में मिलाते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग सैंड में पहले क्या मिला दिए, सैंड सूखा रहता है उसमें हम लोग क्या मिला दिए, क्ले मिला दिए, मीन्स बाइंडर मिला दिए, और पानी जो है बाद में मिलाए, तो कौन तरीका अच्छा होगा। उसके बाद फिर हम लोग इसको मिक्स करते हैं सैंड मूलर में, तो ऊपर वाला जो है तरीका जो है को अच्छा माना जाता है, ऊपर वाला मेथड को, क्योंकि फर्स्ट वाटर इज एडेड। जो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि सैंड में जो है पहले पानी मिला देते हैं, तो सैंड जो है में कुछ भी जो है आपका सैंड उड़ता नहीं है। हम लोग सैंड को जो है, चूंकि मूलर जो होता है वो मिक्सर होता है, तो उसमें घूमते रहता है सैंड, तो पानी हम लोग मिला देते हैं सैंड में, तो आसानी से बैठ जाता है वो जो है बाहर गिरता नहीं है। उसके बाद तो हम लोग उसमें धीरे धीरे क्ले मिलाते हैं, ठीक है। पहले क्ले जो है मिलाने वाला मेथड वो ठीक नहीं होता है, ज्यादा होता है कि पहले हम वाटर मिला दे, उसके बाद तब सैंड में पहले वाटर मिला दे तब क्ले हम मिलाए चावी एडिटिव पार्टिकल्स, ठीक है। लिखा हुआ है, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द बेस्ट ऑर्डर ऑफ एडिंग इनग्रीडियंट्स टू क्ले बॉन्डेड सैंड इज सैंड विथ वाटर फॉलोड बाय द बाइंडर्स। मैंने तरीका बेस्ट वही है कि हम लोग जो है पहले वाटर मिला देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग बाइंडर के रूप में क्ले मिलाते हैं, ये जो है बेस्ट तरीका है, ठीक है। इन दिस वे द क्ले इज मोर क्विकली एंड यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन टू ऑल द सैंड ग्रेन्स। ऐसा करने से जो है हम लोग क्या, पानी पहले मिला देते हैं सैंड में, उसके बाद में क्ले मिलाते हैं, क्ले का पार्टिकल छोटा छोटा, तो जो है क्या होता है, ऐसा करने से आपका जो है बहुत ज्यादा मात्रा में और तेजी से जो है इनफॉर्मली एक समान चारों तरफ सैंड के चारों तरफ, सैंड के टुकड़ा के चारों तरफ जो है एक समान जो है क्ले फैल जाता है, मीन्स जो है एक समान सैंड को सभी सैंड को जो है जो है आपको मिल जाता है, सभी सैंड को जो है आपका क्ले जो है आपस में सभी सैंड से मिल जाता है बहुत जल्दी। क्ले का जो है मिक्सिंग जो है सैंड के साथ, मीन्स जो गोंद का मिक्सिंग जो है, जो बॉन्डिंग करने का जो है, चिपकाने का जो क्षमता रखता है, जो जिसको क्ले बोलते हैं, वो आपका सैंड के चारों तरफ बहुत जल्दी जो है मिक्स हो जाता है, ठीक है। एंड एडिशनल एडवांटेज ऑफ दिस मिक्सिंग ऑर्डर इज दैट लेस डस्ट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द मूलर ऑपरेशन। दूसरा ये है फायदा कि जो है आपका सैंड में जो होता है छोटा छोटा सैंड भी पास भी होता है, तो वो जो है जो मूलर जो होता है जिसमें हम लोग सैंड को मिक्स करते हैं, जैसे आपका बड़ा बड़ा बिल्डिंग को जो है हम लोग बनाते हैं, तो देखिएगा जो है आपका क्या बोलते हैं सैंड और जो है सीमेंट को जो मिलाने वाला जो मिक्सर मशीन होता है, उसी तरह जो है आपका मोल्डिंग सैंड बनाने के लिए जिसमें हम लोग जो है क्ले मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो भी उस तरह से मिक्सर मशीन होता है। इस मशीन का नाम मूलर होता है, जो सैंड को जो है मिक्सिंग करने वाला जो है उसको हम लोग मूलर मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सैंड सूखा रहता है, मीन्स जो है सैंड को पानी में बाद में मिलाएंगे, सैंड में पहले क्या मिला देंगे, क्ले का टुकड़ा, क्ले का पार्टिकल्स, मीन्स जो है बाइंडर का पार्टिकल्स सैंड में पहले मिलाएंगे, और जो है मूलर जो है मिक्सर पूरा घूमते रहता है, तो सैंड में क्या रहता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होता है, तो आप जो है बिना पानी के जो है आप बिना पानी को न मिला के आपको जो है सैंड में केवल आप मिला दिए क्या, क्ले का टुकड़ा मिला दिए, और फिर जो है आप मिक्सिंग कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, तो क्या होगा, सैंड में जो डस्ट पार्टिकल है वो जो है उड़ने लगेगा बाहर एटमोसफेयर में। लेकिन हम पानी डाल देते हैं, उसके बाद तब जो है हम लोग जो है क्ले मिलाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल, चूंकि पानी को जो है डस्ट पार्टिकल को पानी जो है उसको नीचे बैठा देगा, ठीक है, डस्ट पार्टिकल उसमें बैठ जाएगा। तो ऐसा करने से जो हम लोग पहले पानी मिला देते हैं, तो जो है मूलर में जो है डस्ट पार्टिकल जो है बाहर नहीं उड़ता है, डस्ट पार्टिकल बाहर उड़ेगा तो चूंकि आदमी रहता है वहां पर आंख में पड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है दूसरा यही फायदा है कि हम लोग पानी पहले मिलाएंगे, तो आपका जो है डस्ट जो है बहुत कम प्रोड्यूस होगा। मूलर ऑपरेशन जो करेंगे, मूलिंग ऑपरेशन मीन्स जो है सैंड को मिक्सिंग करने का जो है, तो वो ऑपरेशन करेंगे, तो आपका जो है डस्ट जो है कम प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग जो है, सर टाइम नेक्स्ट स्टेप, हम लोग का डाटा खत्म,
खत्म नहीं हो जाता जब सब चीज मिला दिए, नहीं क्या कर दिए, मिला दिए सब कुछ, मिला दिए मिलाने के बाद हम लोग भात दाल खाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर से दाल दाल भात में दाल डाल दिए, उसके बाद हाथ से मिलाते हैं कि नहीं, कि दाल का भी टेस्ट आएगा, सर, सब सब्जी भी मिला देते हैं सर, कभी कभी सब्जी भी लोग मिला देता है उसी में, बहुत लोग सब्जी ऊपर से खाता है, तो हम लोग क्या करते हैं जो है इसको जो है हम लोग पानी मिला दिए, बालू है मिला दिए, पानी पहले मिलाया कि जो है बालू में जो है जो डस्ट पार्टिकल है उड़ेगा नहीं, जैसे देखते हैं रोड पर जो है जो कच्चा जो रोड रहता है तो कभी कभी देखिएगा तो जब पानी उस पर फेंके गाड़ी जो है पानी वाला जो होता है वो जो गाड़ी चलाता है उस पर, क्या कि डस्ट उड़े नहीं जाए, समझे ना, डस्टबिन नीचे बैठ जाए, तो उसी तरह हम लोग क्या किए जो है सैंड में पहले हम लोग पानी मिला दिए और उसके बाद जो है हम लोग क्या किए ऊपर से जो है क्ले मिलाए, मैंने बाइंडर मिलाए, ऐसा करने से जो है क्या होता है मशीन में जो है डस्ट बाहर नहीं उड़ता है, ठीक है। अब हम मिला दिए लेकिन जो है अब हमारा जो है मिक्सर मशीन जो है जो मूलर जो है वो घूम रहा है, मिक्स हो रहा है, तो हम कब तक मिक्स करेंगे हम लोग जो है, नाउ द थिंग्स आर मिक्स थ्रू इन मिक्सिंग मूलर, अब जो है हम लोग क्या कंटिन्यू मिक्सिंग अंटिल इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज डेवलप, अब हम लोग क्या करते हैं मूलर मशीन को जो है उसको मिक्स पूरा मिक्स करते हैं, कंटिन्यू मिक्स करते हैं, कब तक, जब तक जो है आपका पूरा जो है जो भी आपका क्ले वगैरह है जो भी एडिटिव्स है सब का पूरा अच्छे से मिल ना जाए, अच्छा से मिल नहीं जाए, इनफॉर्मली जो है आपस में मिल नहीं जाए, ठीक है, और जो है अपना जो है ऑप्टिमम प्रॉपर्टी जो उसका जो प्रॉपर्टी होना चाहिए मोल्डिंग सैंड का वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज प्राप्त कर न ले तब तक हम लोग उसको जो है मिक्स करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखता है, नाउ दिस थिंग्स आर मिक्स्ड थ्रोली इन मिक्सिंग मूलर, मैंने ऊपर का जो है सैंड के साथ एडिटिव हम लोग डाले हैं वो सब जो है हम लोग क्या करते हैं उसको जो है मूलर में मिक्स करते रहते हैं, ठीक है, थ्रोली। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग मूलर इज टू डिस्ट्रीब्यूट द बाइंडर्स एडिटिव्स एंड मॉइस्चर और वाटर कंटेंट इनफेयरली अराउंड ऑल अराउंड ईच सैंड ग्रेन हेल्प्स टू डेवलप द ऑप्टिमम फिजिकल प्रॉपर्टीज बाई नीडिंग ऑन द सैंड ग्रेन्स। अब जो है हम लोग को जो है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग मूलर इज, अब मूलर को जो है मूलर के साथ जो है मूलर मशीन में जो है हम लोग जो है सैंड को मिक्स करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव मेन कारण क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो है हम लोग उसमें जो बाइंडर मिलाते हैं, जो एडिटिव्स मिलाते हैं, जो पानी मिलाते हैं, तो वो जो है आपका जो है इनफॉर्मली जो है मिक्स हो जाए, आपका सैंड ग्रेन एक समान मिल जाए, सैंड के साथ एक समान। मूलर मशीन क्या होता है सर? मूलर वही जो है आपका जैसे मिक्सर नहीं होता है जो है घर उड़ बनाते हैं तो देखिएगा सैंड और सैंड और अथी को मिलाने वाला बालू को जो है होता है ना रेत बालू सीमेंट मिट्टी को मिलाने वाला जो मशीन होता है मिक्सर होता है उसी तरह जो होता है वो जो है सैंड को मिलाने के लिए जब हम बोलते हैं इसमें सैंड कौन सा लेते हैं सर, ये जो आप बता रहे हैं ना सर, तो जहाँ पे सैंड लिखा हुआ है तो इसमें किस टाइप का सैंड रहता है? वो जो है जनरली सैंड रिवर सैंड जो समुद्र किनारे से सैंड होता है व्हाइट तरह का उस वाला वो सैंड यूज करते हैं। गंगा वालू? हाँ गंगा वालू। SiO2 को भी नहीं, ये वाला सोन वाला नहीं यूज करते, नहीं यूज कर सकते हैं सर? सोन वाला जो है यूज नहीं करते हैं, उसका जो है वो मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है जो है, उसका जो ताप सहने की क्षमता उसमें कम होता है, ठीक है। तो जो है ये जो है आपका फिर जो है हम लोग क्या किए सैंड ग्रेन्स को अच्छा से जो है मूलर मशीन में जो है मिला दिए, लेकिन हम लोग जो है अब अच्छा से नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, मिक्सचर जो है आपका कमजोर हो जाएगा, आप जो है बालू के साथ जो है सैंड के साथ आप सीमेंट अच्छा से नहीं मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर जो है कमजोर हो जाएगा, है उसी तरह जो है हम लोग जो है मूलिंग मूलर मशीन को जो है मैं ठीक से इसको नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो सैंड जो बनेगा जो है हम लोग जो है मोल्ड बनाएंगे सैंड का वो वीक हो जाएगा, विच कैन ओनली बी कंपनसेटेड बाई एडिंग मोर बाइंडर, तो हम लोग जो है ठीक से नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, वो जो है ठीक से नहीं मिलाएंगे तो बाइंडर जो है पूरा अच्छा से जो है सैंड में नहीं मिलेगा, मीन्स जो गोंद अच्छा से नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग उसके लिए हम लोग क्या करना होगा,
ज्यादा मात्रा में जो है हम लोग को बाइंडर मिलाना होगा, मीन्स जो है क्ले मिलाना होगा, तो खर्चीला हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो मिक्सिंग अच्छा तरीका से करते हैं कि जिससे जो है हमको बाइंडर फिर बाद में मिलाने का जरूरत नहीं पड़े। अब जो है हम लोग क्या कर दिए, अब हम लोग कोई चीज को मिक्स करते हैं तो आप जानते हैं कि कोई चीज को मिक्स होता है आपस में घर्षण जो होता है तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है कि नहीं। आटा जो है यस सर, जब पिसाता है तो देखिएगा जो है उस समय आपका जो पिसाने है के बाद गरम गरम निकलता है पूरा। गेहूं पिसाने के बाद जो है आटा उसको गर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है सर? घर्षण से जो है फ्रिक्शन से जो है क्या होता है, कुछ हम लोग जाड़ा में क्या करते हैं हाथ पर ठंडा हो जाता है तो हाथ को आपस में रगड़ते हैं तो देखते हैं यस सर, लगता है कि हाथ गर्मी आ गया, वो फ्रिक्शन से जो है हीट जेनरेट होता है, थर्मल एनर्जी जो है जेनरेट होता है। तो आपका अब सैंड क्या हो गया, गर्म हो गया। आप जो है सैंड को मिलाए आपस में मूलर मशीन में तो क्या हो गया, सैंड आपका जो है गर्म हो गया। अब गर्म अवस्था में जो है आप मोल्ड नहीं बना सकते हैं, आप जो है उस समय यूज नहीं कर सकते हैं, जो है मोल्ड बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग प्रोसेस करते हैं, सैंड को जो है अब ठंडा कर देते हैं कुछ टेम्परेचर तक, 40 डिग्री से 34 या 35 के आसपास जो है टेम्परेचर पर तक उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। 34 के आसपास जो है उसको हम लोग ठंडा करते हैं, उतना टेम्परेचर कर देते हैं। द फाइनल स्टेप इन सैंड कंडीशनिंग इज द कूलिंग ऑफ सैंड मिक्सचर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इफ द मोल्डिंग सैंड मिक्सचर इज हॉट इट विल कॉज मोल्डिंग डिफिकल्टीज। मीन्स जो है आपका सैंड जो है मिक्सचर जो गर्म होगा तो मोल्डिंग जो है करने में डिफिकल्टी आ सकता है, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग जो है लास्ट स्टेप जो है कूलिंग करते हैं, ठीक है। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ अभी तो चुप है हम, सर कूलिंग प्रोसेस क्यों करते सर? हैं। हाँ कूलिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। यस यस सर, कितना तक था ये? सर अब कल पढ़ाइएगा, रहने दीजिए। ये जो है यस सर, यस हम सर, लोग मोल्डिंग जो है बनाने का मेथड्स होता है, मीन्स जो है हम लोग जो है कैविटी जो बनाते हैं, तो कैविटी जो फॉर्म कैसे होता है, हम लोग पैटर्न को जो है बाहर निकाल लेते हैं तो कैविटी फॉर्म होता है। पैटर्न को जो है आपका सैंड से जो बाहर निकाल लीजिएगा तो जो गड्ढा बन जाता है उसी गड्ढा में जो है उसको हम लोग गड्ढा को मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग मोल्ड मेथड्स क्या क्या है, मोल्डिंग जो है बनाने का जो है हम लोग क्या क्या मेथड अपनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो है वेरियस मोल्डिंग मेथड्स, पहला है फ्लोर मोल्डिंग, दूसरा है बेंच मोल्डिंग, तीसरा है पीट मोल्डिंग, चौथा है मशीन मोल्डिंग। तो फ्लोर मोल्डिंग क्या होता है, फ्लोर मोल्डिंग मीन्स होता है कि जैसे आपका जैसे सरफेस हुआ, जैसे आपका मिट्टी का सरफेस है, और सरफेस में ही हम जो है हम लोग क्या करते हैं कि गड्ढा जो है रेक्टेंगुलर गड्ढा जो है उसको खन देते हैं, जो है रेक्टेंगुलर गड्ढा जो है हम लोग चारों तरफ से रेक्टेंगल का गड्ढा जो है खन करके जो है उसके चारों तरफ से ब्रिक लगा देते हैं। जैसे बहुत बड़ा बड़ा आपका जो है जिसका पैटर्न जो है बड़ा होगा तो बॉक्स उतना बड़ा नहीं हो सकता है, चूंकि हम लोग मोल्डिंग बॉक्स यूज करते हैं पैटर्न को रखने के लिए, मोल्डिंग बॉक्स यूज करते हैं, लेकिन पैटर्न का साइज जो है बहुत बड़ा होगा। बड़ा रहने पर बड़ा रहने पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जो है बॉक्स उतना बड़ा नहीं रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे जो में है खून देंगे पूरा। नीचे में खान करके जो है और उस ब्रिक लगा देते हैं और नीचे में बालू का अथी बना देते हैं फ्लोर, और उसके बाद उसी बीच में जो है हम लोग गड्ढे में हम लोग क्या करते हैं रखते हैं पैटर्न को। पैटर्न को रखने के बाद फिर जो है पैटर्न के ऊपर जो है हम लोग फेसिंग सैंड डालते हैं, फेसिंग सैंड डालने के बाद फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड डालते हैं, उसके बाद लास्ट में बेकिंग सैंड डालते हैं और हम लोग रैमिंग करते हैं, ठीक है। रैमिंग करने के बाद जो है हम लोग पैटर्न को बाहर निकाल लेते हैं तो कैविटी बनता है, उस कैविटी में हम लोग मोल्टन मेटल डालते हैं, ठीक है। तो दिस मेथड ऑफ मोल्डिंग इज लार्जली
इम्प्लाइड फॉर मीडियम और लार्ज साइज कास्टिंग। तो लिख आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। फ्लोर मोल्डिंग, फ्लोर मोल्डिंग इज यूज्ड फॉर फ्लोर मोल्डिंग इज यूज्ड फॉर मीडियम एंड लार्ज कास्टिंग, फॉर हाई एंड मीडियम कास्टिंग, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ दिस। तो क्या कीजिएगा? मीडियम एंड लार्ज कास्टिंग। सभी लोग चले गए सर, 20 वो बच्चे हैं मात्र। फ्लोर मोल्डिंग का जो है, फ्लोर मोल्डिंग ऑप्शन सी। फ्लोर मोल्डिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं? मीडियम और लार्ज कास्टिंग के लिए, ठीक है। हम लोग कहाँ यूज करते हैं फ्लोर मोल्डिंग को? फ्लोर में जो है हम लोग मोल्डिंग बनाते हैं। फ्लोर में हम लोग जो है सैंड को रख करके जो है हम लोग कैविटी बनाते हैं। डेट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोर मोल्डिंग, ठीक है। तो ये जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं? मीडियम और लार्ज साइज कास्टिंग। हमको जो है मीडियम और बहुत बड़ा जो है ऑब्जेक्ट बनाना है कास्टिंग करके, तो हम लोग जो है वहाँ पर फ्लोर मोल्डिंग जो है, फ्लोर में हम लोग मोल्डिंग करते हैं। मीन्स फ्लोर में हम लोग कैविटी बनाकर जो है हम लोग जो है आपका जो है फ्लोर मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोल्डिंग बॉक्स नीचे ही बना लेते हैं। हाँ, बॉक्स जो है नीचे बना लेते हैं। मीन्स जो है स्क्वायर शेप में जो है, रेक्टेंगुलर शेप में जो है हम लोग मिट्टी हटा कर कुछ गड्ढा तक, और उसके बाद उसको ब्रिक वगैरह जो है, सैंड वगैरह, सीमेंट से जो है चारों तरफ से जो है उसको अति कर देते हैं, जो है ऊपर से जो है प्लास्टर टाइप का कर देते हैं, ठीक है। द मोल्डिंग डन ऑन द फ्लोर ऑफ द फाउंड्री, द मोल्डिंग डन ऑन द फ्लोर ऑफ फाउंड्री मीन्स फाउंड्री शॉप में जो जो है, फाउंड्री में देखिएगा, फाउंड्री शॉप में घूमने जाइएगा तो कुछ कुछ पूरा जो है पार्ट जो है फ्लोर पूरा जो है आपका बना हुआ नहीं रहता है। फ्लोर जो है कुछ आपका सरफेस जो है मिट्टी जैसा रहता है, कुछ फ्लोर मिट्टी वाला ही फ्लोर रहता है। मीन्स उस पर जो है ब्रिक नहीं लगा हुआ है, कास्टिंग नहीं रहता, ढाला हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपका फाउंड्री में जो है हम लोग फ्लोर पर जो है जो मोल्डिंग करते हैं उसको फ्लोर मोल्डिंग बोलते हैं। मोल्डिंग वर्क इज कैरिड आउट ऑन फाउंड्री फ्लोर व्हेन मोल्ड साइज इज लार्ज एंड मोल्डिंग कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन ए बेंच। तो मोल्डिंग जो है हम लोग क्या करते हैं, मोल्डिंग वर्क जो है फाउंड्री में जो है फ्लोर पर कब करते हैं? जब जो है आपका मोल्ड का साइज बड़ा हो। मोल्ड का साइज बड़ा कब होगा? जब पैटर्न का साइज बड़ा होगा तब मोल्ड का साइज भी बड़ा होगा। पैटर्न का साइज बड़ा होगा तब ना कैविटी का साइज बड़ा होगा। तो जब मोल्ड का साइज बड़ा होगा, मीन्स मोल्ड का साइज बड़ा कब होगा? जब पैटर्न का साइज बड़ा होगा। तो कह रहा है कि फ्लोर मोल्डिंग का हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं? जहां पर मोल्ड का साइज बड़ा होता है एंड मोल्डिंग कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन बेंच। और जो है बड़ा होने से जो है हम लोग बेंच पर जो है मोल्डिंग नहीं कर सकते हैं। मीन्स बेंच पर जो है टेबल टाइप का जो बेंच होता है उस पर हम लोग मोल्डिंग बॉक्स को रख करके जो है हम लोग जो है ये जो है मोल्डिंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। जहां पर जो है चूंकि बेंच पर जो है बॉक्स जो रहता है छोटा, तो मोल्डिंग बॉक्स का यूज करते हैं ना बेंच पर। लेकिन जो साइज आपका पैटर्न का साइज बड़ा है तो हम लोग जो है उसको बेंच पर नहीं कर सकते हैं। तो हम फ्लोर मोल्डिंग का जो है हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? जहाँ मोल्ड का साइज बड़ा हो और जो है हम जहाँ पर जो है हम लोग बेंच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं मोल्डिंग बनाने में, वहां पर हम मीडियम और लार्ज साइज का फ्लोर, हाँ फ्लोर मोल्डिंग का हम लोग वहां पर प्रयोग करते हैं। द मोल्ड हैज इट्स ड्रैग पोर्शन इन द फ्लोर एंड ओपन पोर्शन में बी रैम्ड इन ए फ्लक्स एंड इन्वर्टेड ऑन द ड्रैग। द मोल्ड हैज इट्स ड्रैग पोर्शन इन द फ्लोर। अब क्या हो गया, चूंकि मोल्ड का जो है आपका दो पोर्शन होता है, चूंकि बॉक्स में हम लोग ड्रैग कप होता है जनरली, तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि बड़ा साइज का जो भी होता है, बड़ा साइज का जो है पैटर्न जो है देखिएगा सिंगल पीस होता है। बड़ा साइज का जो पैटर्न होता है वो केवल सिंगल पीस होता है, एक ही पीस पे होता है जो है बड़ा साइज का पैटर्न। तो हम लोग क्या करते हैं जो है ड्रैग जो है आपका, चूंकि ड्रैग बॉक्स का काम जो है हम लोग गड्ढा बना दिए वो हो गया, ठीक है। अब कोप पोर्शन में भी रैम्ड इन ए फ्लक्स एंड इन्वर्टेड ऑन द ड्रैग।
अब जो है कोप पोर्शन जो है ड्रैग वाला पोर्शन जो है हम लोग जो है चूंकि फ्लोर के अंदर बना लिए, लेकिन कोप पोर्शन के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं फ्लास्क लेते हैं हम लोग जो है उस टाइप का बॉक्स जो है हम लोग बनाते हैं, चूंकि बनाने में कठिन होता है लेकिन इसलिए हम लोग कम से कम एक बॉक्स बनाते हैं, मीन्स कोप वाला बॉक्स जरूर बनाते हैं, क्योंकि ड्रैग वाला तो काम हमको जो है फ्लोर पर हो जाता है, हैं, लेकिन जो है कोप वाला जो है हम लोग बॉक्स बनाते हैं। अब जो है जैसे हम लोग ड्रैग बॉक्स में जो है मीन्स ड्रैग का काम आपका जो है फ्लोर कर रहा है, फ्लोर का गड्ढा कर रहा है, तो उसी तरह जो है अब हम लोग जो है पैटर्न का आधा भाग ड्रैग ड्रैग में रख दिए मीन्स फ्लोर में रख दिए, उसके बाद अब हम लोग आधा भाग जो है कोप में रखेंगे। कब रखेंगे मीन्स जो है आपका फ्लोर पर ही, फ्लोर के चारों तरफ जितना बड़ा गड्ढा बनाया है उसके ऊपर हम लोग कोप कोप बॉक्स को रख देते हैं। हेलो हेलो यस हेलो हेलो आवाज आ रहा है? यस सर, बहुत कम आ रहा है सर। यस सर, क्लियर है। जो भी मोल्डिंग बनाते हैं किसी चीज का कास्टिंग करते हैं तो हम लोग दो बॉक्स लेते हैं, मोल्डिंग बॉक्स दो लेते हैं, एक ड्रैग लेते हैं एक पैटर्न लेते हैं। तो पैटर्न का जो है दो पार्ट होता है, सॉरी एक ड्रैग लेते हैं और एक कोप लेते हैं। हम बोलते बोलते हम भी इधर चला गया दिमाग जाए। हम लोग दो बॉक्स लेते हैं, एक ड्रैग और कोप। ड्रैग जो बोलते हैं नीचे वाला होता है बॉक्स उसको, और कोप बोलते हैं ऊपर वाला जो रहता है। तो इसमें जो है हम लोग फ्लोर मोल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग के रूप में जो है जो बॉक्स नहीं बनाते हैं हम लोग गड्ढा खन देते हैं। क्या करते हैं, गड्ढा टाइप का हम लोग खन देते हैं, ठीक है। गड्ढा जैसा खन दिए और उसको जो है चारों तरफ जो हम लोग सैंड का जो है एक तरह से ब्रिक लगा के उसको प्लास्टर जैसा कर दिए, मींस जो है बॉक्स जैसा उसको बना दिए जाए। अब उसी बॉक्स लार्ज और मीडियम कैविटी चाहिए। हाँ, अब जो है उसी में जो है हम लोग पैटर्न को रख दिए बीच में सेंटर में, और रखने के बाद जो है हम क्या किए आपका ऊपर जो है फेसिंग सैंड डाले। फेसिंग सैंड डालने के बाद जो है आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड जो है उसको डालते हैं, और लास्ट में बेकिंग सैंड डाल के उसको हम लोग रैमिंग किए, कुटाई किए ऊपर से जो है, ठीक है। कुटाई मीन्स जो है ऊपर से जो है जैसे ओखली में जो है धान कैसे कुटाया जाता है शादी में देखते हैं, धान कुटा हो अरे हम सबको सब कुटता है तो लोग भी कुट हो गए। ऊपर से जो है हम लोग को बॉक्स जो है उसको डाल देते हैं उसी आपका फ्लोर पर ही, गड्ढा पर के ऊपर जो है हम लोग कोप बॉक्स है उसको डाल दिए। और जो है मान लीजिए दो पार्ट में हुआ पैटर्न जो है बहुत बड़ा ज्यादा है तो एक ही पार्ट में बनता है, लेकिन अगर मीडियम है तो उसको दो पार्ट में बनाते हैं। तो कोप वाला बॉक्स कोप वाला पार्ट जो होता है पैटर्न का उसके ऊपर रखते हैं, और फिर जो है आपका स्क्रू और राइजर रखते हैं अगल बगल में, और फिर जो है आपका सैंड जो है फेसिंग और उसके बाद कंप्रेस करने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग जो है दोनों एक बॉक्स तो नीचे ही रहता है मीन्स जो है आपका गड्ढा में रहेगा नीचे जमीन के नीचे, और दूसरा कोप है उसको हटा लिए, तो कोप में से फिर जो है हम पैटर्न जो है आधा भाग हटाए, फिर आपका स्क्रू हटाए राइजर हटाए, और फिर नीचे जो गड्ढा वाला है उसमें से ड्रैग वाला जो है पैटर्न का पार्ट जो है हटा लिए। उसके बाद जो है हट गया तो गड्ढा जो है कोप में ही बन गया कैविटी, ड्रैग में ही बन गया। अब दोनों को जो है एक के ऊपर दूसरे रख दिए, और उसके बाद तब मल्टीमीटर डालते हैं, और मल्टीमीटर जो है कैविटी में जाके जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम लोग को रिक्वायर्ड शेप मिल जाता है, कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग जो है बोथ ग्रीन एंड ड्राई सैंड मोल्ड्स कैन बी मेड बाय फ्लोर मोल्डिंग। हम लोग जो है फ्लोर मोल्डिंग में जो है ग्रीन और जो है ड्राई सैंड दोनों यूज करते हैं। हम लोग इसको ग्रीन फ्लोर मोल्डिंग फ्लोर पर मोल्ड बनाने के लिए हम लोग ग्रीन सैंड का भी प्रयोग करते हैं और ड्राई सैंड का। ग्रीन सैंड मीन्स जो है जो जिसमें पहले से मॉइस्चर मिला हुआ रहता है, चूंकि रिवर की लाते हैं सैंड तो देखिएगा कभी कभी भीजा जैसा सैंड होगा जो है, ठीक है, पानी पानी जैसा मिला रहता है, तो डेट इज कॉल्ड ग्रीन सैंड, जिसमें मॉइस्चर पहले से मिला रहता है उसको हम लोग ग्रीन सैंड बोलते हैं। और ड्राई सैंड जो है और नदी किनारे जो बहुत एकदम किनारे नहीं फार जो है किनारे से थोड़ा दूर रहे पहले ही जो है वहां पर देखिएगा तो टोटल ड्राई रहता है, उसमें मॉइस्चर की मात्रा नहीं रहता है। तो जो है दोनों सैंड का हम लोग जो है प्रयोग इसमें कर सकते हैं फ्लोर मोल्डिंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेंच मोल्डिंग, नाम से क्या पता चल रहा है? हेलो 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 यस सर, बेंच मोल्डिंग
बेंच मींस क्या होता है? बेंच, बेंच पर मोल्डिंग है। हेलो। हाँ, बेंच पर मींस जो है टेबल जैसा शेप होता है, जैसे बेंच आप लोग बैठते हो जिस पर क्लास में, उसको जो है बेंच बोलते हैं। लेकिन जो है टेबल का हम लोग वर्कशॉप में जो टेबल होता है, छोटा छोटा टेबल है, ज्यादा हाइट का नहीं, जो है उस पर आदमी जो है खड़ा होकर कोई वर्क कर सके, ठीक है, तो उस हाइट का होता है टेबल, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, मोल्डिंग बॉक्स को रख देते हैं, ठीक है। उस पर ही मोल्डिंग बॉक्स को रख करके हम लोग जो है दो मोल्डिंग बॉक्स क्या करती है, उस पर रख दिए बेंच पर, पहले क्या एक बॉटम बोर्ड रखे, और उसके बाद जो है ड्रैग बॉक्स रखे, है ड्रैग मोल्डिंग बॉक्स रखे, उस पर जो है पैटर्न का आधा भाग रखे, और उसके बाद जो है पैटर्न का आधा भाग रखने के बाद जो है मीन्स जो है बॉक्स के सेंटर में पैटर्न का आधा भाग रखे, पैटर्न के आधा भाग रखने के बाद जो है हम लोग फेसिंग सैंड डालें, फेसिंग सैंड डालते हैं कि फेस जो है अच्छा बने कैविटी का। उसके बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड डालते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग सैंड को जो है तैयार करते हैं। हम लोग जो है एक कास्टिंग करने के बाद दूसरा कास्टिंग करना है, तो हम लोग बार बार सैंड को में आपका मॉइस्चर मिलाते हैं, क्ले मिलाते हैं, एडिटिव मिलाते हैं, और उसके बाद जो है उसको हम लोग मिक्स करके जो है बनाते हैं सैंड को, दैट सैंड इज कॉल्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड जो है डालें फेसिंग सैंड के बाद, और उसके बाद लास्ट में जो है हम लोग बेकिंग सैंड डालते हैं, जो बेकार सैंड जो है जिसको बोलते हैं, मीन्स बचा हुआ सैंड जो बचा है। जो हम लोग बहुत बहुत कास्टिंग बना लेते हैं ना, तो उसके बाद उसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, तो उसको हम लोग जो है बाद में भी रख देते हैं, तो बाद वाला को कोई अंतर नहीं पड़ता है, कैसा भी सैंड आप मिट्टी भी डाल दोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन सैंड डालते हैं कि जो है आपका मिट्टी डालोगे तो चिपक जाएगा आपका मोल्डिंग बॉक्स के साइड से, ठीक है। अब जो है ये सब प्रक्रिया जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडिंग पोजिशन में करते हैं हम लोग जो है हम लोग की जो है ये सब प्रक्रिया जो है प्रोसेस आपको जो है बेंच पर भी करते हैं। किस पोजीशन में? स्टैंडिंग पोजीशन में, एंड हेंस द नेम बेंच मोल्डिंग, इसलिए जो है इसका नाम बेंच मोल्डिंग पड़ा, क्योंकि हम लोग बेंच पर जो भी है मोल्डिंग का वर्क करते हैं और इसको स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, सो इट इज कॉल्ड बेंच मोल्डिंग, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, बोथ ग्रीन एंड ड्राई सैंड आर सैंड मोल्ड कैन बी मेड बाय बेंच मोल्डिंग। अब इसमें जो है हम लोग जो है ग्रीन और ड्राई सैंड का दोनों का यूज करते हैं, जैसे उसमें करते थे, ठीक है, मोल्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट है मोल्ड्स बोथ फॉर फेरस एंड स्पेशली फेरस एंड स्पेशली नॉन फेरस कास्टिंग्स आर मेड ऑन बेंच मोल्ड्स। हम लोग जो है दोनों का जो है फेरस और नॉन फेरस मेटल का भी इससे कास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्पेशली जो है फेरस मटेरियल का कास्टिंग करते हैं, मीन्स फेरस मेटल से कास्ट करके कोई हम लोग फेरस मेटल का कोई जो ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जो है हम इस टाइप का जो बेंच मोल्डिंग पर हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको जो है मोल्डिंग बेंच मोल्ड पर करते हैं और बोरिंग भी, ठीक है। बोथ कोप एंड ड्रैग आर रैम्ड ऑन द बेंच, और जो है हम लोग जो है कोप और ड्रैग जो बॉक्स जो है जिसको हम लोग रैमिंग करते हैं, वो हम लोग जो है आपका बेंच पर ही रख के करते हैं। बेंच पर रख दिए और जो है चूंकि उतना हाइट हम लोग का हाइट मनुष्य का जो हाइट होता है उसका जो है उससे थोड़ा आसानी से जो काम कर सके, बेंच का ऐसा साइज होता है कि हम लोग खड़ा होके उस पर रैमिंग करें, हैं, जो भी हो आसानी से कर सके, ठीक है। तो जो है बोथ कोप एंड ड्रैग आर रैम्ड ऑन द बेंच। सर वीडियो में जो दिखाई थी वो बेंच मोल्डिंग था। हाँ, ठीक है। तो ये जो है हम लोग कोप और ड्रैग बॉक्स का रैमिंग का काम जो करते हैं बेंच पर ही करते हैं। स्मॉल एंड लाइट मोल्ड आर प्रिपेयर्ड ऑन बेंचेज। इस पर क्या करते हैं हम लोग स्मॉल एंड लाइट मोल्ड है, मींस जो है हम लोग जो है इस पर जो है छोटा कैविटी हम लोग इसमें बनाते हैं, और लाइट मींस जो है पैटर्न का जो है जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो है कास्टिंग करके हमको बनाना है जो वजन में जो है हल्का हो और उसका साइज छोटा हो, वस्तु का जो है ऐसा वस्तु का कास्टिंग करना है हमको जो है जो वजन में छोटा हल्का हो और जो है शेप में जो है साइज में जो है छोटा हो, तो उस टाइप का जो है हमको वस्तु बनाना है। तो स्मॉल साइज के लिए, हाँ स्मॉल साइज के लिए जो है हम लोग जो है मोल्ड जो तैयार करते हैं वो बेंच पर करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेंच मोल्डिंग, ठीक है। उस टाइप का जो मोल्ड जो हम लोग बनाते हैं बेंच पर बनाते हैं और फिर कास्टिंग भी करते हैं बेंचे पर, जो है मीन्स जो है पोरिंग भी जो है बेंचे पर करते हैं।
अब है पीट मोल्डिंग। पीट मोल्डिंग होता है कि बहुत बड़ा साइज, हेलो, बहुत जो है बड़ा साइज का जो है आपका जो है वेरी वेरी बिग कास्टिंग्स, वेरी बिग कास्टिंग्स विच कैन नॉट बी मेड इन फ्लास आर मोल्डेड इन पीट्स डग ऑन द फ्लोर। अब जो है हम तो जो है बताए थे कि बिग और लेकिन बहुत बड़ा जो रहता है, जब पैटर्न का साइज बहुत बड़ा रहेगा तो जो है हमको जो है उसके लिए जो है हम लोग जो है क्या होता है वेरी बिग कास्टिंग, लोहा का रॉड जिसको हम लोग जैसे लोहा का रॉड सर, हाँ और भी बहुत बड़ा जो भारी जो है वो जो जो वजन रहता है बड़ा बड़ा। हेलो सर, ठीक है सर, सर इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सर, बिकॉज सर हम लोग का डेटा मेरा खत्म हो गया आज का। ओ कौन बोल दी, करते हैं हम लोग पीट बनाते हैं, पीट मीन्स जो होता है आपका रेक्टेंगुलर जो है गड्ढा जो होता है उस टाइप का जो है हम लोग फ्लोर पर ही बनाते हैं, ठीक है। वेरी लार्ज जॉब्स कैन बी हैंडल्ड एंड कास्ट इजिली थ्रू पीट मोल्डिंग, कह रहा है कि बहुत बड़ा जो है जॉब आपको बनाना है, हैं तो हम लोग को जो है आपका जो है और कास्टिंग करना है तो हम लोग जो है पीट मोल्डिंग के द्वारा जो है आपको आसानी से कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि वेरी लार्ज जॉब्स कैन बी कास्टेड ऑन फ्लोर मोल्डिंग, पीट मोल्डिंग, बेंच मोल्डिंग, तो क्या कीजिएगा क्या टिक मारिएगा पीट मोल्डिंग, वेरी लार्ज रहेगा तो समझिए वेरी लार्ज रहेगा तो पीट मोल्डिंग करेंगे, और जो है मीडियम जो है लार्ज रहेगा तो आप उसमें फ्लोर कीजिएगा, ठीक है फ्लोर मोल्डिंग सर, फ्लोर मोल्डिंग। हाँ तो जो है वेरी लार्ज एग्जाम में पूछता है जो है स्मॉल रहेगा तो बेंच मोल्डिंग पे मारेंगे। हाँ हाँ हम लोग क्या करते हैं, इट्स ड्रैग पार्ट इन द पीट एंड सेपरेट कोप इज रैम्ड एंड यूज्ड अबव द ड्रैग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे फ्लोर मोल्डिंग के लिए हम लोग जो है ड्रैग पार्ट कहाँ बनाते थे, गड्ढा खोदने के बाद ब्रिक नहीं भी लगा जाते काम से, लेकिन इसमें जो बहुत साइज बड़ा रहता है हम लोग ब्रिक साइड साइड में जो है गड्ढा के साइड में जो है हम लोग ब्रिक लगा के जो है सीमेंट बालू से जो है उसको जो है साइड से जो है हम लोग प्लास्टर जैसा कर देते हैं नीचे का सरफेस को भी जो है, ठीक है पूरा प्लेन रहता है सर। हाँ प्लेन रहता है, और जो है कोप वाला जो है लेकिन कोप का जो पार्ट इसमें भी हम लोग जो है बनाना ही पड़ता है। द डेप्थ ऑफ द ड्रैग इन पीट मोल्डिंग इज मच मोर देन डेट इन फ्लोर मोल्डिंग। और दूसरा जो है एक और जो है दोनों में खासियत यह है कि फ्लोर मोल्डिंग और पीट मोल्डिंग में कि दोनों तो आपका फ्लोर पर ही बनता है, मीन्स जो है सरफेस पर ही बनाते हैं, लेकिन जो है हम लोग का फ्लोर जो मोल्डिंग करते हैं फ्लोर का जो ड्रैग पोर्शन जो है गड्ढा बनाते हैं उसका जो है डेप्थ कम होता है बनिस्पत जो है आपका पीट मोल्डिंग। पीट मोल्ड का जो है हम लोग कास्ट में जो डेप्थ बनाते हैं जो गड्ढा जो बनाते हैं ड्रैग पोर्शन बनाते हैं उसका जो है गहराई जो है ज्यादा होता है किसके बनिस्पत फ्लोर मोल्डिंग के। फ्लोर मोल्डिंग जो है हम लोग फ्लोर मोल्डिंग करते हैं मीन्स जो है फ्लोर पर जो है हम लोग जो गड्ढा बनाते हैं तो उसमें जो है उस गड्ढा का जो है गहराई कम होता है, लेकिन जो है पीट मोल्डिंग में गहराई ज्यादा होता है, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। हेलो ये डेप्थ टीच एच क्या है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो है ड्रैग का जो डेप्थ होता है पीट मोल्डिंग का वो जो है ज्यादा होता है मोर होता है मोल्डिंग के अपेक्षा ज्यादा होता मच मोर होता है देन द देन दैट इन फ्लोर मोल्डिंग। ये जो है पूछ सकता है, ये जो है ऑब्जेक्टिव ही पूछ सकता है, ठीक है। इन पीट मोल्डिंग द मोल्डर में इंटर द ड्रैग एंड प्रिपेयर इट। और जो है ये जो है आपका पीट मोल्डिंग चूंकि बहुत बड़ा होता है उसका गड्ढा भी जो है गड्ढा भी बहुत डेप्थ भी बहुत ज्यादा होता है तो इसमें क्या करता है मोल्डर जो होता है मोल्डर में से जो आदमी होता है वो अंदर घुस करके इसको तैयार करता है, अंदर घुस जाता है उस गड्ढा में और उसके बाद जो है आपको आप पैटर्न को रखता है गड्ढा में घुस के अंदर पैटर्न को रखने के बाद फिर जो है आपका उसके चारों तरफ से जो है फेसिंग सैंड रखता है
और जो है जो भी प्रोसेस गड्ढा में घुस के करता है, चूंकि इसका साइज गड्ढा का साइज बड़ा होता है, और जो है आपका शीट मोल्डिंग में सर परेशानी बहुत होती होगी। हाँ, ठीक है। अब हम पीट किसको कहते हैं, पीट किसको बोलते हैं, ए पीट ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। पीट क्या होता है, व्हाट इज पीट, पीट इज द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। पीट बोला एक पीस किसको बोलते हैं, तो जिसका शेप जो होता है स्क्वायर होता है और रेक्टेंगुलर होता है और उसमें कुछ डेप्थ जो है उसका ज्यादा होता है, डेट शेप इन इन फ्लोर ऑन फ्लोर इज ट्रायंगुलर कॉल्ड नहीं होता। पीट, पीट ठीक है, PIT यस पीट सर। बोलते हैं। द साइड्स ऑफ द पीट ड्रैग आर लाइंड विथ द ब्रिक, और जो है पीट का जो जो साइड होता है, देखते हैं चारों साइड होता है, तो चारों साइड को जो हम लोग क्या करते हैं, पूरा क्या ब्रिक करते हैं, बिछा देते हैं। ब्रिक बिछा देते हैं, एंड बॉटम इज कवर्ड विथ मोल्डिंग्स है। लेकिन बॉटम में जो है, जो बटन हम बोले थे, बटन में ब्रिक नहीं लगाते हैं, बटन वाला पोर्शन को हम लोग जो है कवर कर देते हैं मोल्डिंग सैंड से, ठीक है। द कोप ए सेपरेट फ्लास्क इज रैम्ड ओवर द पीट ड्रैग विथ पैटर्न इन पोजीशन, और कोप का जो है हम लोग उसको ऊपर रख देते हैं कोप बॉक्स का, और जो है आपका अगर उसका पैटर्न हो तो उसको रख देते हैं, और उसके बाद रैमिंग करते हैं। गेट्स रनर पोरिंग बेसिन स्क्रू इटीसी आर मेड इन द कोप, और गोप कोप में भी हम लोग क्या करते हैं, रनर जो है जो भी है पोरिंग बेसिन वगैरह जो है हम लोग स्प्रू जो है आपको मैनुअली हम लोग बनाते हैं, ठीक है। द मोल्ड इज ड्राइड बाय मींस ऑफ स्टोव हीटर, अब जो है आपका मोल्ड जो है, चूंकि जो है वो जो है मोल्ड में जो है मॉइस्चर जो मिला हुआ रहता है, और चूंकि अर्थ जमीन के संपर्क में रहता है तो जमीन भी थोड़ा भीगा रहता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग जो कैविटी जो बन जाता है उसको हम लोग जो है हीटर से या स्टोव से हम लोग उसको जो है, या जो है आपका फ्लेम वगैरह जो होता है, जो गैस गैस वाला गैस फ्लेम जो होता है जिससे हम लोग गैस गैस कटिंग करते हैं, उससे हम लोग इसको जो है सुखाते हैं, ठीक है। कोप एंड ड्रैग आर देन असेंबल्ड, अब जो है कोप और ड्रैग असेंबल्ड हो गया, उसके ऊपर दूसरा रख देते हैं हम लोग जो है, उसमें से पैटर्न निकाल के एक कोर में भी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड पोजिशनिंग द कोप ओवर ड्रैग, एक कोर में भी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड पोजिशनिंग द कोप ओवर ड्रैग, और हम लोग कोर का भी यूज करते हैं, हैं? और कोर का जो है हम लोग यूज करते हैं यहाँ की जो है हम लोग जो है लिफ्ट कर सके, जो है कोप को जो है हम लोग जल्दी से आसानी से ऊपर हटा सके जो है ड्रैग के ऊपर से, तो हम लोग जो है यहाँ पर कोर का यूज करते हैं। हम लोग जो है कोर का जनरली हॉलो शेप बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोप और ड्रैग को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोर का यूज करते हैं, CORE कोर। कोप कैन बी क्लैम्प्ड इन पोजिशन, कोप को जो है हम लोग चूंकि सरफेस पर ही जो है आपका ड्रैग के ऊपर रखते हैं, लेकिन ऐसा प्रोविजन हम लोग कर देते हैं सरफेस पर ड्रैग वाला पर कि हम लोग कोप वाला बॉक्स को उसमें क्लैम्प कर सके, ठीक है। नाउ मोल्ड इज रेडी, कैविटी तैयार हो गया, अब जो है आप बोरिंग कर सकते हो। तो इस तरह जो है हमने क्या क्या पढ़ा आज। हेलो, कोई बताएंगे आज हम लोग, चूंकि इससे पहले आज जो है हम लोग क्या पढ़े, चूंकि जो है इससे पहले पहले सबसे पहले फर्स्ट में पढ़े कि हम लोग जो है सैंड कंडीशनिंग, मींस सैंड कंडीशनिंग करते हैं, मींस सैंड को जो है हम लोग मोल्ड बनाने के लिए हम लोग उसको तैयारी करते हैं, जैसे हम लोग आटा तैयार करने के लिए गेहूं को कैसे कैसे साफ सुथरा करते हैं, उसी तरह हम लोग चूंकि सैंड का जो यूज करते हैं तो पहले सैंड को उसको सफाई सफाई साफ सुथरा करेंगे, हैं, तो उसको हम लोग सैंड कंडीशनिंग बोलते हैं, मीन्स सैंड को जो है मोल्ड करने लायक बनाने के जो जो होता है प्रोसेस, डेट इज कॉल्ड आपका वो जो है सैंड कंडीशनिंग। तो सैंड कंडीशनिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप करते हैं कि जो है आपका फॉरन पार्टिकल्स, मीन्स जो अनवांटेड मटेरियल होता है, अनवांटेड पार्टिकल्स मीन्स लॉ वाला पार्ट होता है, लोहा का जो पार्ट होता है टुकड़ा होता है, उसको हम लोग पहले बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसको मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जो है लेकिन जो है जो है लॉ वाला पार्ट जो है लोहा का जो पार्ट बाहर निकल गया, लेकिन उसमें जो है सैंड में कुछ ना डस्ट वगैरह जो रहता है, जो गंदा जैसे आपका पत्थर का बड़ा टुकड़ा हुआ, तो अब उसको अलग करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद चलनी से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चलनी से उसको चालते हैं,
चालने के बाद जो है सैंड जो है अच्छा सैंड हमको नीचे मिल जाता है और जो उसमें गंदा पार्टिकल जो रहता है वो चलनी पर रह जाता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग प्रोसेस करते हैं कि हम लोग सैंड को जो है हम लोग उसमें क्ले मिलाते हैं, मीन्स क्ले पहले मिलाते हैं और दूसरा है कि वाटर पहले मिलाते हैं। तो जो है हम लोग वाटर मिलाकर जो है उसमें क्ले मिलाते हैं, मीन्स बाइंडर मिलाते हैं, वो अच्छा प्रोसेस होता है क्योंकि हम लोग क्ले बाद में सैंड को सैंड जो है में क्ले मिला दिए या पानी बाद में मिलाने से क्या होता है, क्योंकि सैंड में जो है कुछ छोटा छोटा पार्टिकल रहता है, सैंड में कुछ डस्ट रहता है, तो वो जो है आपका उड़ सकता है बाहर। मशीन चूंकि जो है मशीन चलते रहता है घूमते रहता है तो डस्ट बाहर उड़ेगा उड़ेगा तो आंखों को में पड़ सकता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग जो है हम लोग सैंड जो है सैंड में जो है क्या करते हैं आपका बाइंडर मिलाते हैं, मीन्स जो है गोंद का जो काम करता है उसको मिलाते हैं और उसके बाद तो वाटर मिलाते हैं और जो घूमते रहता है नचते रहता है ये करते हैं। उसके बाद जो है आपका ये सब होने के बाद क्या हो गया, जब घुमा हुआ तो सैंड घूमने के बाद जो है आपस में फिक्सन के कारण जो है तो हीट हो जाता है, हीट हो जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग जो है कूल करते हैं, चूंकि उस हीट अब जो है गर्म ही सैंड को जो है हम लोग क्या करेंगे जो है गर्म सैंड को जो है हम लोग उससे जो हम लोग मोल्डिंग बनाएंगे तो जो है वो उसका सरफेस खराब हो सकता है। जिस तरह हम लोग क्या करते हैं आटा गेहूँ पिसवा के लाया और तुरंत जो है आप जो है आटा सानने लगेगा तो हाथ जल सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जो है हम लोग उसको ठंडा करते हैं, आटा को ठंडा हो जाता है तब उसको जो है कोई चीज़ हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जब मिक्सिंग हो जाता है सैंड तो जो है वो चूँकि हीट हो जाता है टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है तो हम लोग कूल डाउन करते हैं उस टेम्परेचर को कूल करके तब जो है हम लोग मोल्ड बनाते हैं, मीन्स जो है तब हम लोग जो है पैटर्न को रखते हैं बॉक्स में और ऊपर से सैंड डालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अभी क्या थैंक यू सर। उसके बाद अब क्या पढ़े, जैसे अब